अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू शेयर अ ब्रांड न्यू टॉपिक रिलेटेड टू विंड। सबसे पहले विंड की डेफिनेशन में आपको बताती चलूँ कि विंड होती क्या है। विंड बेसिकली अर्थ की सरफेस पे एयर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहते हैं। इसकी डायरेक्शन वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जिनकी वजह से एयर मूवमेंट होती है? तो इस फोर्स का नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ऐसी फोर्स जो अर्थ पे प्रेशर की वजह से एग्जर्ट होती है उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बोलते हैं। अर्थ सरफेस पे ग्रेडियंट फोर्स का प्रेशर बढ़ जाता है तो एयर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है। सेकेंड फोर्स जिसकी वजह से एयर मूवमेंट होती है उसको हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं और ये फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से एग्जर्ट होती है। अब चूंकि ये फोर्स अर्थ की रोटेशन की वजह से एग्जर्ट होती है तो विंड जो है वो नॉर्दर्न साइड में राइट साइड की तरफ मूव करती है जबकि साउदर्न साइड में लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है। जियोस्ट्रोफिक विंड ऐसी विंड है जो तब प्रोड्यूस होती है जब ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स का बैलेंस हो जाता है। इस बैलेंस को हम जियोस्ट्रोफिक बैलेंस भी बोलते हैं। ग्लोबल सिस्टम ऑफ विंड में वर्ल्ड के जो मेजर प्रेशर बेल्ट हैं उनमें सबसे पहला बेल्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, इसकी वजह से विंड ना होने के बराबर होती है और सन पूरा साल वर्टिकल रेज प्रोवाइड करता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स वो एरियाज हैं जहाँ पे विंड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अपर मिड लैटिट्यूड लो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है और ये ग्रीन कोल्ड एरियाज होते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल पे जहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस रीजन को हम पोलर हाई रीजन बोलते हैं। ग्लोबल प्रेशर एंड विंड बेल्ट के इस डायग्राम को आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट पोर्शन हमारा विंड की टाइप्स का है जिसमें सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो लैंड एंड सी ब्रीज टाइप है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि विंड जो है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है, इसलिए लैंड दिन के टाइम में ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू सी। नेक्स्ट जोन विंड है जो कि माउंटेन्स के लीवर्ड साइड पे एक्सपीरियंस की जाती है जहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से विंड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट किसी भी ग्लेशियर माउंटेन या हिल से कोई भी विंड ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर मूव करे तो उसको हम कैटाबैटिक विंड बोलते हैं। सीजनल चेंजेस की वजह से जब रेनफॉल होता है उस टाइम पर जो विंड प्रोड्यूस होती है उसको हम मानसून विंड बोलते हैं। साउथ वेस्टर्न विंड्स जब चलती हैं तब समर मानसून होता है, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स जब चलती हैं तब विंटर मानसून होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट विंड एट इट्स टाइप्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।